कांग्रेस पार्टी का एक जलसा होगा, उसके अंदर आप लोग शरीक रहे। और दूसरा ऐलान ये है कि आज से जो रोड शो बेदारी मुहिम की जो शुरुआत हुई, आज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उसको मिला और ये मुसलसल चार दिन चलने वाली रोड शो है। इसके लिए कल जो है 3 गंदगी के ऊपर शाम 5 बजे से शुरू होगी, आप लोग उसमें भी शरीक है। जरील शाह साहब, रफीक भाई, कॉरपोरेशन के इलेक्शन के वक्त तो हमारे से दूर हो गए थे, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि दोनों शख्स ये समाज के अंदर, वार्ड के अंदर और सामाजिक काम करने के अंदर उनके अंदर जो तड़प है, वो कांग्रेस पार्टी से दूर रहकर वो पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी काम करने वाली है, हमारे दोस्त भी काम करने वाले हैं। इसके लिए आज वो कांग्रेस पार्टी को वापस आए और इसके लिए इसके बाद अच्छा काम जरूर करें। हमारे शहर का पार्लियामेंट का इलेक्शन बहुत अजीब चल रहा है। समझ में तो ये आ रहा है कि पूरा शहर एक साथ है, जबकि हमारा महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी और एनसीपी का हमारा अलायंस से जरूर है, लेकिन मालेगांव शहर के अंदर अजीब प्रचार किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के, जो हमारे जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, जबकि अभी पूरा सपोर्ट तो हो ही गया है महाराष्ट्र लेवल पर, लेकिन जिन्होंने भी मालेगांव शहर के अंदर हमें सपोर्ट किया, ताज्जुब इस बात का होता है कि ना बैनर पे पंजे निशान है, ना पंजे को वोट देना बोला जाता है, ना निशान कितने नंबर पे ना वो बोला जाता है। 90% कांग्रेस को घोषणा और उसके बाद कुणाल पाटिल को वोट देना, ये तो शोले पिक्चर वाली बात हो गई। असरानी, हम तो अंग्रेजों के जमाने के जेलर है, बाकी इधर जाओ, बाकी इधर जाओ, बाकी बचे मेरे पीछे आओ। बिल्कुल इसी तरीके से सब काम इस शहर के अंदर चल रहा है। आप देख लो, जो वंचित अगाड़ी के स्टेज के ऊपर आप नजर जाकर स्टेज पर देखना, क्या असरानी वाली बात सही है या नहीं, जो उनके कभी राइट हैंड हुआ करते थे, वो कांग्रेस की सीट गिराने के लिए कहां पर है, कहां पर काम किया जा रहा है, कैसा काम किया जा रहा है, कैसा प्रचार किया जा रहा है, तो हमें समझ ही नहीं आ रहा। बहरहाल आज वो वक्त नहीं है, जरूर 29 के बाद और ये शहर की आवाज बहुत होशियार और बहुत चालाक है। असेंबली के इलेक्शन के वक्त 1,20,000 का मजमा कोई लीडर आता है, लग जाता है, लेकिन डिपॉजिट बचने के करीब रहते हैं दोस्तों। ये शहर की आवाम इतनी चालाक है और ये शहर सब अपनी आंखों से देख रहा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस अपने मिशन के अंदर कामयाब हो जाए, वोट का डिवाइडेशन हो जाए और हमारी सीट गिर जाए, कहीं ऐसा ना हो। अभी हमारे साथी, हमारे दोस्तों ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो मालेगांव बम ब्लास्ट के अंदर थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया। मैंने कल शिवराज चौहान साहब जो भारतीय जनता पार्टी के एक चीफ मिनिस्टर है, उनका इंटरव्यू देखा, क्या उसके ऊपर लगाया हुआ इल्जाम गलत था, वो
के लोगों से पूछना चाहता हूं और आरएसएस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऊपर पहली केस कब दर्ज होगी। आरएसएस के प्रचारक सुनील जोशी की हत्या के अंदर वही गुजरात के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब की पुलिस ने, वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले कत्ल के जुर्म के अंदर ये आदमी को गिरफ्तार किया था, आज कैसे ये सफेद हो गई और आज उनको टिकट देकर मुसलमानों मालेगांव शहर के मुसलमान या हिंदुस्तान के मुसलमान या हिंदुस्तान का वो हिंदू और सेकुलर भाई उनकी जख्म के ऊपर तुम नमक छिड़कने का काम करते हो, एक देश द्रोही को टिकट देते हो। आज अगर हम लोग इस शहर की आवाम अगर बेदार नहीं हुई और अगर गलती से भी मुस्लिम इलाकों से अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट चला गया और अगर गलती से भी आपकी ओर का डिवाइडेशन हो गया तो आने वाली नस्ल हमें कभी माफ नहीं करेगी। मुसलमानों के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, किसको क्या जवाब दे कि हमारे जमीन जिंदा होना चाहिए। हमारे जमीन से पूछना, अगर मुस्लिम इलाकों के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट गिर जाता है, 9000 वोट कॉर्पोरेशन में गिरा, यह भी ताज्जुब की बात अफसोस की बात हमारे लिए रही। लेकिन जहां पर साध्वी को अगर टिकट दिया जाता है और वही पार्टी को अगर मुसलमान वोट दे देते हैं तो हमारे लिए बड़ी सोचने की बात है और शर्मनाक बात होगी दोस्तों। आज मैं मेरी मां बहनों से बोलना चाहूंगा, बुजुर्गों से बोलना चाहूंगा कि ट्रिपल तलाक के नाम पर शरीयत के अंदर किसने मुदाखलत किया, यह भी सोचना है। आसिफा का बलात्कार कश्मीर के अंदर किसने किया, यह भी सोचना है। हमारे जमीन के ऊपर हाथ रखकर सोचना वोट देने के वक्त, या अगर आपका इरादा नहीं हुआ पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने के लिए स्कूल तक, फिर एक मरतब अपने जमीन के ऊपर हाथ रखकर सोचना कि मुझे वोट देना जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जरूर आपका जमीन बोलेगा कि वोट जाओ, वहां पर वोट दो, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दो, फिरका परस्तों के खिलाफ दो। इसके लिए मैं आज आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि पंजा निशान के ऊपर कुणाल पाटिल को वोट देकर भारी अक्सरियत से आप लोग कामयाब करें। बाकी की मुकम्मल बात इंशाल्लाह मैं कल जरूर करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। और तमाम बैठे हुए हजरात, वक्त बहुत कम है, आसिफ भाई को भी अपनी बात रखनी है। मैं ज्यादा बात तो नहीं कहूंगा लेकिन 2014 के चुनाव की एक बार आपको याद दिलाना बहुत जरूरी समझता हूं कि 2014 के चुनाव में इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना और 25 साल में पहली बार हिंदुस्तान में अगर कोई मेजोरिटी की सरकार आई होगी तो नरेंद्र मोदी की सरकार आई। 25 साल से सरकारें बनती थी लेकिन मेजोरिटी नहीं बनती थी, लेकिन 282 खासदार के साथ एक पूर्ण बहुमत की सरकार जो है नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई 2014 के साल में। हम सबको लग रहा था कि भाई नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, पूरी ताकत से बनी है कि कुछ ना कुछ अच्छा काम करेगी। गुजरात मॉडल के नाम पे ये सरकार पूरे हिंदुस्तान में वोट मांग रही थी, लेकिन पिछले 5 साल में अगर हमने देखा होगा तो इस देश के हर एक समाज को, चाहे वो युवा हो, नौजवान हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, सारे समाजों के ऊपर अन्याय करने का काम पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। कश्मीर में आसिफा नाम की एक छोटी सी लड़की पे जब बलात्कार हुआ था तो उसके जो गुनेगार है
उनको छुड़वाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग पुलिस स्टेशन पे मोर्चा लेके जाते हैं। पिछले 5 साल में हमने देखा है कि बीफ पे नाम पे हो या धर्म के नाम पे हो, कपड़ों के नाम पे हो, अलग अलग चीजों के नाम पे इस देश के अल्पसंख्यक समाज पे अत्याचार करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। सरकारें आती जाती रहती है, सरकार किसी की भी आ सकती है, हमें उसमें कोई लोकशाही है और लोकतंत्र में ये सारी चीजें होती रहती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अटल बिहारी की भी सरकार हमने देखी है, 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, लेकिन जिस तरह का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, मुझे लगता है कि आज तक इतिहास में किसी सरकार ने इतना गंदा काम नहीं किया था। एकदम घटिया काम इस सरकार ने पिछले 5 साल में किया, और इसलिए इस देश के तमाम जो सेक्युलर फोर्सेस है वो सारे एक हो गए। कर्नाटक में आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक चुन के आने के बावजूद भी हमने कुमार स्वामी को वहां पे मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, क्योंकि हम चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को सरकार से दूर रखना चाहिए, सत्ता से दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई जो चल रही है वो सरकार बनाने की लड़ाई नहीं चल रही है, ये लड़ाई जो चल रही है वो देश को बचाने की लड़ाई चल रही है, देश को संविधान बचाने की लड़ाई चल रही है। और इसलिए इस लड़ाई में कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, आरपीआई हो और तमाम पार्टियां एक साथ आ गई है और एक जबरदस्त ऐसा माहौल पूरे देश में और पूरे महाराष्ट्र में बन चुका है। महाराष्ट्र युवा कांग्रेस का अध्यक्ष होने के बाद नाते में पूरे महाराष्ट्र में घूम रहा हूं। पिछले 25-30 दिनों से पूरे मतलब गढ़चिरौली से लेकर आज मैं यहां आपके मालेगांव शहर में आया, कल मैं भिवंडी था और हर जगह मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस का जबरदस्त माहौल बन रहा है। एक बहुत बड़ी तादाद में लोग मोदी के खिलाफ हो गए, जिस तरह की 2014 में मोदी की हमने देखा था कि मोदी की लाट ने मोदी की सुनामी आई थी, और जो कभी घर से बाहर नहीं निकला, ऐसे ऐसे लोग विधायक बन गए, ऐसे ऐसे लोग आमदार बन गए, ऐसे ऐसे लोग खासदार बन गए, और उसी तरह की दोबारा से एक ऐसी लाट अभी आई है, ऐसी सुनामी आई है कि जो मोदी को उखाड़ देने का काम करने वाली है। मैं बहुत ज्यादा बात अपने सामने नहीं रखूंगा, आसिफ भाई को बोलना है, टाइम कम होते जा रहा है, लेकिन आपने देखा होगा यहां पे हमारे भाई साहब भाषण कर रहे थे कि मशरूम कहां से आता है, वकील साहब ने बोला। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं फकीर आदमी हूं, मैं चाय बेचता हूं, मेरी मां 2 कमरे के घर में रहती है, मेरी मां एटीएम के लाइन में खड़ी रहती है, मेरी मां ऑटो रिक्शा में चलती है। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी मां सच में 2 कमरे के घर में रहती है, आपकी मां अगर सच में ऑटो रिक्शा में चलती है, तो आपके पास ये 15 लाख का सूट कहां से आया, ये सवाल का जवाब आपको इस देश की जनता को देना पड़ेगा। 1-1 लाख रुपए का मशरूम आप खा रहे हो, कहां से आ रहा है पैसा? 3 लाख का है। अब 15 लाख का सूट तो हमने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं। पुणे में एक लड़के ने सोने का शर्ट बनाया था, टीवी पे देखा होगा आपने, तो उस लड़के के पास हम चले गए, भैया सोने का शर्ट बनाने में कितना पैसा लगता है? तो उसने हमको बोला 3.5 लाख रुपए लगता है। तो मैंने बोला सोने का शर्ट को 3.5 लाख लगता है, तो 15 लाख के शर्ट में ऐसे क्या लगाया होगा मोदी ने, और मैं परेशान हो गया। लेकिन भाइयों, ये जो 15 लाख रुपए उसके पास आया है सूट बनाने के लिए, ये जो 3-3 लाख रुपए का मशरूम खा रहा है, ये जो 2-2 लाख रुपए का फेन इस्तेमाल कर रहा है, ये पैसा आया कहां से? तो ये पैसा आया है राफेल के घोटाले से। राफेल कंपनी का एक हवाई जहाज था जो हिंदुस्तान की सरकार को लेना था, 2013 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हमने लेने का तय किया था 526 करोड़ रुपए में। 526 करोड़ रुपए में एक जहाज, वही जहाज उसी कंपनी का उसी मॉडल का 2014 में नरेंद्र मोदी ने लिया 1670 करोड़ रुपए में। एक जहाज के पीछे 1000 करोड़ रुपए, 36 जहाज के पीछे 36000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करने का काम किया। आप में से बहुत सारे लोग मोटरसाइकिल यूज करते हैं, मोटरसाइकिल जब हम सर्विसिंग को देते, हमारी बाइक सर्विसिंग को देते, 1200-1500 रुपए उसका बिल आता है, सर्विसिंग का बिल आता है।
अब अगर शोरूम वाले ने आपको कहा कि भैया तू अगर 3 साल मोटरसाइकिल को इस्तेमाल करने वाला है तो 3 साल का जो सर्विसिंग का पैसा होगा वो मेरे को एडवांस में दे दे। अगर किसी फिटर ने मांगा तो कोई देगा एडवांस में? नरेंद्र मोदी ने इस 36 जहाजों का 25 साल के आगे 25 साल का जो मेंटेनेंस का पैसा है 94,000 करोड़ रुपए रिलायंस कंपनी को एडवांस में दे दिया। वो 94,000 करोड़ रुपए और ये 36,000 मिलके 1,30,000 करोड़ रुपए का घोटाला नरेंद्र मोदी ने किया है और उस पैसे से खुद 15 लाख रुपए का कोट तो पहन रहा है, लेकिन उसी पैसे से उस देश की सेक्युलर फोर्सेस को बांटने का काम लेकिन वो कर रहा है। आज यहां पे मैं जानता हूं कि मालेगांव की जनता कभी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को वोट करने वाली जनता है नहीं, ये हम जानते हैं, लेकिन आज यहां पे आके आज से बात करने का एक और एक मकसद ये है कि हमारे जो सेक्युलर फोर्सेस के वोट है ये वोटों में बंटवारा नहीं होना चाहिए। इन वोटों का बंटवारा सीधी तरह से नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बना सकता है। एक एक सीट हमको चुन के लानी है, एक एक खासदार हमको चुन के लाना है, आगे 4 महीने के बाद होने वाली विधानसभा हमको चुन के लानी है, और अगर ये सारे चुनाव हमको जीतने, अगर इन सारे लोगों को हमको सत्ता से दूर रखना है, अगर भाजपा के लोगों को आरएसएस के लोगों को सत्ता से दूर रखना है, जो लोग जिन्होंने साध्वी प्रज्ञा जैसे लोगों को टिकट दिया है, मालेगांव के बॉम्ब ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा को यहां पे जेल में गई थी, कांग्रेस की सरकार ने उसको जेल में डाला, उस साध्वी प्रज्ञा को आपने टिकट तो दिया लेकिन उसने भाषण क्या किया उस दिन कि मैंने शाप दिया इसलिए करकरे कि मौत हो गई, मैंने शाप दिया इसलिए करकरे कि मौत हो गई, ये बात इस लेवल तक ये लोग चले गए। बद्दुआ, मैंने बद्दुआ दी, अब हम तो दुआ वाले लोग हैं, हमको बद्दुआ नहीं, हम समझते हम दुआ लेते हैं और दुआ देते, बद्दुआ हम लेते भी नहीं और बद्दुआ देते भी नहीं। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि मैंने बद्दुआ दी इसलिए करकरे 15 दिन नहीं 1 महीने के अंदर उसकी मौत हो गई, और इस तरह के लोगों को आप टिकट देते हो, इस तरह के लोगों को आप सांसद बनाना चाहते हो, इस तरह के लोगों को आप दिल्ली भेजना चाहते हो, ये चुन के आएंगे और 5 साल हमारे ऊपर राज करेंगे, योगी आदित्यनाथ जैसे लोग हैं, साध्वी प्रज्ञा जैसे लोग हैं, ये चुन के आएंगे और हमारे यहां धर्म के नाम पे जात के नाम पे झगड़े करेंगे, और इसलिए मैं समझता हूं दोस्तों, नौजवान साथियों और बुजुर्ग मेरे भाइयों, मैं सबको ये कहना चाहता हूं कि ये जो आघाड़ी यहां पे वंचित आघाड़ी के नाम से महाराष्ट्र में बनी है, ये वंचित आघाड़ी ये 100 करोड़ की आघाड़ी है, इतनी 100 करोड़ की आघाड़ी है, ये चुनाव लड़ रही है क्योंकि वो जीतने के लिए नहीं तो हमको हराने के लिए चुनाव लड़ रही है, ये चुनाव लड़ रही है सेक्युलर फोर्सेस को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रही है, और इसलिए एक एक वोट हमारा बहुत कीमती है, और इस वोट को जो है हमको कुणाल बाबा पाटिल के इसमें डालना है। 29 तारीख को जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में हम सबको जो बेईमान चौकीदार हमने 2014 में बिठाया था, चौकीदार बैठा था ना 2014 में, जो कह रहा था कि मैं चौकीदारी करूंगा, लेकिन उसके सामने से ललित मोदी चला गया, नीरव मोदी चला गया, मेहुल चौकसी चला गया, और आरएसएस का नाम तो उसने बदल दिया है, आरएसएस का नाम उसने किया है रिलायंस सेवा संघ, रिलायंस का अभी चौकीदार बन गया है। इस चौकीदार को हटाने के लिए 29 तारीख को हमको कुणाल पाटिल की पंजा के सामने का बटन दबा के हमको कुणाल पाटिल को जिताना, क्योंकि चौकीदार और गली गली में शोर है चौकीदार शोर। 29 तारीख को मुझे, मैं दोबारा आपसे दरखास्त करता हूं कि 29 तारीख को अपनी गाड़ी अपना खाना कुणाल पाटिल को जिता के लाना, अपनी गाड़ी अपना खाना कांग्रेस पार्टी को जिता के लाना आपके पैसे।
चल रहा हूँ इसे। जय हिंद।